रशीद अली साहब फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ सबसे आगे सबसे तेज डेली न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं तहसील पोखराया में खड़ा हूं, रेलवे स्टेशन के सामने। हमारे वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष रशीद अहमद आज़ाद, जो कि किसान यूनियन में हमेशा आगे रहते हैं, क्षेत्र में हमेशा किसानों के काम में आगे रहते हैं, उन्हीं से हम कुछ बात कर लेते हैं। उनके साथ उनके तमाम साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जनता भी खड़ी है, बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सूबेदार। सूबेदार जी, आप ये बताइए कि किसान यूनियन में आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? सन 52 से। इससे पहले लोगों से हमने चर्चा की तो हमें पता लगा आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी रहे, लेकिन आज लोगों ने देखा कि आपके सिर पर किसान की टोपी लगी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम ये चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की मांगे हैं जी, वो पूरी हो जी, और ये गाय और ये जो है सत्यानाश मतलब फसल वो कर रहे हैं, इन पे रोक लगाया जाए जी। जी, अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? राम बहादुर शर्मा, तहसील अध्यक्ष भोगनी। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि जो किसान रात रात भर गौ वंश से परेशान है, इस पर आपकी क्या चर्चा है? हाँ, तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि कृपया ये ध्यान दें, और रातों रात जाग जाग कर किसान समय बर्बाद कर रहा है और मर भी जाता है जी। मैं निवेदन करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से कि गायों को खूंटा में बांधने का कार्यक्रम वो करें, इसी से किसानों की भलाई होगी। जैसे आपने गाय मरने की बात कही, तो गाय जो मर रही है मैंने देख रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो देखा था कि कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, तो उसका गाय को गाड़ने का प्रबंध होना चाहिए। गाय अगर मर जाती है कहीं और गाय गौशाला में भी मर रही है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो ये शासन और प्रशासन इस बात को ध्यान दे कि अपने हल्के में प्रधान हुआ या यानी नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ, कहीं कोई गौ वंश मर रहा है तो उसको कम से कम उसको इतना कर दें कि कुटवा के नीचे गड़वा दें, ताकि कुत्ते जानवर उसका नोच नोच मांस न खाए। आपका शुभ नाम क्या है? सोबरन सिंह, जिला सचिव। सोबरन सिंह जिला सचिव जी, आप हमें ये बताइए कि जो आंदोलन चला, तो अपने यहाँ से कितने लोग गए हुए थे आपके आंदोलन जो दिल्ली में चला? यहाँ से बहुत लोग गए हुए जी, कम से कम आते जाते रहे, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500 जी, लगातार आते जाते रहे जी। हाँ, आंदोलन बराबर चलता रहा जी। हाँ, और जैसे खबर मिलती गई किसानों को, साथ में किसान भी गए और काफी देर में गए, बाकी और ट्रैक्टरों से जाने के लिए हुआ तो बीच में रुकावट भी हो गई थी, फिर भी किसान नहीं माना, चलता चला जा रहा था जी। तो सर, आप किसानों के बारे में क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? किसान जी, किसानों कितनी मेहनत कोई करने वाला है जी। सर, आपका शुभ नाम बताइए, आप अपना पूरा पद भी बताइए। हमारा नाम है रशीद अहमद आज़ाद, मैं वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल से हूँ जी। सर, आप आंदोलन के बारे में हमें चर्चा से विस्तार से बताइए कि जो आपका 13 महीने तक आंदोलन चला, बाद में सरकार बैक फुट पर आई और किसानों की बात को माना, इस पर जरा चर्चा बताइए। हमारे लोगों का आंदोलन पहले से ही चल रहे थे जी, पर सरकार ने ये जो 3 काले कानून ला करके किसानों को दबाने का कार्य किया जी, तो इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जी। किसानों से भी राय लेनी चाहिए जी, और जो राय भी ली तो वो पता नहीं किसान है कि नहीं है, किसानी का दर्द किसानी जानता है जी। उसी का ये आपने रिजल्ट भी देखा जी, कि लोग बहकाते रहे सरकारों को, मोदी से ये किसान नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं कितने आरोप लगाए, और वो धीरे धीरे वही सब इकट्ठा होता रहा, किसानों के दिल में एक अजीब सी हूक ऐसी उठती रही और किसान लामबंद होता चला गया जी। और लगातार 1 साल के ऊपर 1 साल 18 दिन मैंने लगभग 13 महीने ये आंदोलन चला जी, तो इसमें बहुत सारी बातें हुई जी, और बातें होकर के अंततोगत्वा सरकार को मैंने माननीय मोदी जी को सभी काले कानून वापस लेने के लिए किसानों ने मजबूर किया जी, और उन्होंने वापस ले भी लिए जी। और MSP की बात जहाँ तक है तो MSP बिल्कुल सही बात है कि जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो उसका रेट वो मैन्युफैक्चर तय करता है। किसान अपना हार तोड़ मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बरसात में मेहनत करके अपनी फसल को उगाता है, उसके पास वो अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल का मूल्य निर्धारण करे।
ये सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि अभी अभी धान और गेहूँ ज़्यादातर यही खरीदा जाता है, तो हम ये मांग करते हैं पूछो कि इनको पारदर्शिता से खरीदा जाए, किसानों को इसमें परेशान न किया जाए, और बहुत से छोटे किसान हैं जो दूसरे के ट्रैक्टर के द्वारा अपना माल ले लाद करके और क्रय केंद्रों पर ले जाते हैं, वो चार चार दिन पाँच पाँच दिन खड़ा रहता है, तो वो फिर उग जाता है और उसका जब नहीं बिकता है तो वो उन्हें पौने में दामों में बेच करके मजबूरी में आकर के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी गाड़ी कमाई को बर्बाद कर देता है। तो ये सब सरकार हैं, जो भी हमें मौजूदा सरकार से भी हम अपील करते हैं और आगे आने वाले वक्त में जैसे ये चल रहा है समय, अगर बदलाव हो तो भी उनसे भी हमें अपेक्षा करते हैं कि किसानों का विशेष ध्यान दें। अगर ये हमारा देश है, कृषि प्रधान देश का आ गया है, अगर इस पर नहीं ध्यान दिया तो कोई भी यहाँ किसानों के आगे टिकने वाला नहीं है, ना किसान टिकने देगा। अच्छा सर, आप ये बताएं कि गौ वंश पर जो आवारा घूम रहा है, जिससे कि किसान तो मर ही रहा है, सर्दियों में रात रात भर खेतों में जगता है, प्लस जो गाय रोड पर बैठती है उससे एक्सीडेंट होते हैं जिससे लोगों की जान जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे और सरकार से क्या अपील करेंगे? इस पर हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ये गौ वंश का मामला है, ये धार्मिक आस्था का इनका प्रतीक है सबका, तो इस पर हमें बहुत बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। और जो ये सड़कों पे आवारा जानवर टकरा करके मैंने भी आते जाते देखा है कि वहीं पड़े रहते हैं, उनको कुत्ते नोचते हैं, कौवे खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, मैंने एक हुरमती होती है, उनकी बेइज्जती होती है। तो मैं अपील करता हूँ कि इतनी आस्था का प्रतीक है और हमारी धार्मिक भावनाओं से ये जुड़ा प्रश्न है, इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये उनके भी जान है, और एक हमारा जो देश है ये बहुत ही सहिष्णु देश है, इसमें किसी को भी चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, उसको किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और ये जानबूझ के समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अव्यवस्था का कारक है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, हम ये लोगों से जो बात करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो लोगों का कहना है कि अगर गाय खूंटे से बांधी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, इस पर सरकार ने एक किया तो है, गौवंश के लिए गौ आश्रय बनाए हुए हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जानवरों की संख्या ज़्यादा है और हमारे जो आश्रय स्थल हैं वो बहुत कम है, तो इनको बढ़ाया जाए और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। सर, आपका क्या नाम है? रहमतुल्लाह साहब, ये बताइए कि किसानों के बारे में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, खास करके आज गौ वंश पे ज़्यादा चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, जो परेशानी है? परेशानी ये सरकार को ही क्या, गौ वंश सही है, गौशालाओं पे जो लोग ड्यूटी करते हैं उनपे सख्ती करें, कुछ लोग और बढ़ाएं, जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं उनको घेर के गौशाला तक ले जाएं, उनको सुरक्षित, और वही सही है, उसी से दुर्घटना बच सकती है। अगर जानवर अगर रोड पर घूमेगा बैठेगा, गाड़ी वाले कोहरे में दिखाई भी नहीं देता, पता भी, इसीलिए बैठता हो। आपका वैसे सब नाम क्या है? राज बाबू जी, आप ये बताइए, आप भी शायद किसान के बेटे ही होंगे, किसान भी होंगे, जो ये गौवंश से परेशान है किसान और जो रोडों पे बैठती है उससे एक्सीडेंट होते हैं, इस पर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है, जानवर स्थायी हो जाए उधर को, स्थायी हो जाए, जानवर स्थायी हो जाए, जानवर फसल जो नष्ट होती है वो फसल नष्ट ना हो किसान की, और मेन ये किसान रात में जगता है और फिर रहा है, सिर्फ लोग परेशान ज्यादा करेंगे। अच्छा, और भी नेता जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही अपील करता हूँ कि आपका भी चैनल काफी आगे बढ़े और हमारा संदेश सरकार तक पहुँचाने, इसी के लिए आपको। आपका भाई साहब क्या नाम है? गुप्ता जी, आप बताइए, काफी देर से आप चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं आप किसानों के बारे में? उधर को देखो, किसानों ने अपनी खेती बचाने के लिए साल लगा रखे हैं कटीले, जानवर खाने के लिए घुस रहा है जी, मगर वो खा नहीं पाता, पूरा शरीर छिल जाता है, घायल हो जाता है, घायल होने के बाद जी वो बहुत तड़पता है जी, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना हो जी, और रोडों में जो जानवर घूम रहे हैं जी, उनको अगर कोई गाड़ी आ रही अचानक आगे आते हैं तो आगे गाड़ी वाला तो घायल हो ही जाता है और जानवर भी घायल हो जाता जी, तो ये नहीं होना चाहिए जी, ये कहना चाहिए। अगर आप ये होना नहीं चाहिए तो आपके कहने से नहीं होगा, आप सरकार से इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी बात कर रहा है, योगी बात कर रहा है, यहाँ मोदी जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम खड़े, उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अपील करेंगे? मोदी जी तो केंद्र में बैठे हुए हैं।
दोस्तों जैसा भी हमने किसान यूनियन के लोगों से बात की तो हम भी सरकार से यही अपील करेंगे कि गाय को खूंटे से बांधने का प्रबंध किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तहसील पुखराया कानपुर देहात से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी। जय हिंद।